बिहार की सियासत में फंसी बीजेपी, नीतीश कुमार ने बढ़ा दिया बीपी। जातीय जनगणना का सियासी कनेक्शन, किस पार्टी को करेगा रिएक्शन। 2024 का सामने चुनाव, किसका चलेगा सियासी दांव। बिहार में इन दिनों सिर्फ एक ही चर्चा है, जातीय जनगणना की। इस जनगणना को लेकर बिहार की सियासी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, तो अपना श्रेय भी लेने में जुटी हैं, चाहे वो राजद हो या फिर जेडीयू या कहें बीजेपी। बिहार की तीनों मुख्य पार्टियां हैं जो इस जनगणना की सियासत में किरदार में हैं। सामने 2024 का चुनाव है, ऐसे में तैयारी लोकसभा चुनाव की है, तो सियासी समीकरण के साथ जातीय जनगणना भी बेहद जरूरी मानी जा रही है। लेकिन अब तो बिहार में जातीय जनगणना पर नया गणित शुरू हो चुका है, जो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। पिछले साल तक बीजेपी में रही, लेकिन नीतीश के साथ छोड़ लालू की पार्टी के साथ हाथ मिलाया तो बीजेपी विपक्ष में आ गई। लेकिन विपक्ष में आने के बाद अब सियासी हालात को समझने की बात है कि किस तरह से बीजेपी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के दांव में फंसी जा रही है। बीजेपी को भी नहीं भनक लगी कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर वो अपने वोट बैंक को खतरे में डालने वाली है। कुछ ऐसा ही चल रहा है बिहार में। बिहार की सियासत आजकल इसी मुद्दे पर गर्म है और हाई भी, क्योंकि सियासी संग्राम के बीच जिस तरह से बीजेपी फंसी है उस रिपोर्ट को भी देखना चाहिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अगले कुछ मिनट में हम खुलासा करने जा रहे हैं कि बीजेपी जातीय जनगणना को लेकर किस तरह से नुकसान में होगी। बीजेपी कर रही समर्थन, तो नुकसान क्या है? दरअसल बिहार में जातीय जनगणना का शोर हाई है, लेकिन उससे उलट है कि बीजेपी का समर्थन समीकरण अब दरकने लगा है। और यह संकट तब से शुरू हो गया जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद बीजेपी का पिछड़ा बाद उभर कर सामने आया। बिहार क्या पूरे भारत में अति पिछड़ा वोट पर बीजेपी का अधिकार सा बन गया। बीजेपी केवल बनियों और सुवर्ण की पार्टी नहीं रह गई, बिहार बीजेपी तो इस प्रयास में काफी पहले से हिंदुत्व की आड़ में पिछड़ों की राजनीति करती रही। कहने को कह सकते हैं कि भक्ति भाव में रहने वाले यादव जाति को बीजेपी के साथ जोड़ने का ख्याल लालू यादव के एमवाई को तोड़ने के लिए लाया गया। यह बीजेपी की राजनीति में पिछड़ावाद और पिछड़ों में भी दबंग जाति को लाने का प्रयास था। कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़े वोट बैंक को अपना मान रही है, लेकिन साथ साथ हिंदुत्व के एजेंडे को भी धार देने में लगी है। अगर जाति जनगणना की बात करें तो बीजेपी के मन में क्या है, यह सुशील मोदी खुद जग जाहिर कर चुके हैं। जाति जनगणना के मुद्दे पर हाईकोर्ट के निर्णय का सुशील मोदी ने स्वागत किया और कहा कि बिहार में जाति जनगणना कराने का निर्णय उस राज्य सरकार का था जिसमें बीजेपी शामिल थी। यह फैसला बीजेपी के लिए मुसीबत क्यों? लोकतंत्र में जाति एक मजबूत फैक्टर है। 1931 की जातीय जनगणना में ओबीसी की आबादी आखिरी बार प्रकाशित हुई थी, जहां देश की आबादी का 52% बताया गया था। तब से किसी भी राष्ट्रीय सरकार ने ओबीसी की गिनती के लिए इस तरह की कवायद नहीं की। यही वजह है कि ओबीसी की उपस्थिति के बारे में कोई राष्ट्रीय स्तर का डेटा नहीं। अब चूंकि बिहार में जातीय जनगणना का फैसला लिया गया, तो इनके समर्थन हासिल करने को आपाधापी मची है। बीजेपी भी इस दौड़ में तो है, पर इस भय के साथ कि कहीं सवर्ण नाराज ना हो जाएं। वैसे तो बिहार की जाति जनगणना का राज्य के बाहर भी प्रभाव पड़ेगा। बीजेपी के राष्ट्रवाद की आक्रामक राजनीति को इस बात से सावधान रहना होगा कि विभाजनकारी भूमिका प्रबल ना हो जाए, क्योंकि सामने चुनाव है और इस बार नीतीश कुमार बीजेपी से दूर हैं।